हो। आज हम सीखेंगे कुछ सेंटेंस, जैसे हम उसमें होता रहता है ना, मान लो हमने कोई गलती की, ठीक है, तो हमको संतावना देने के लिए, हमको क्या करने के लिए, उत्साहित करने के लिए लोग क्या करते हैं, बोलते हैं गलतियां हर किसी से हो जाती है, छोड़ो कोई बात नहीं, बोलते हैं ना, छोड़ो यार गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। तो गलतियां हर किसी से होती है, इसका सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बनाओगे, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, ठीक है, एवरीवन मेक मिस्टेक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकते, गलती किसी से हो जाती है। ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बोला कि भैया हम तो जो है 60 किलो का वेट उठाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो तुम बोले अरे 60 क्या, हम 90 किलो का उठा लेंगे, तो बोला ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या करना। तो डू यू फाइंड इट फनी, ठीक है, क्या डू यू फाइंड इट फनी, अब क्या बोला, जाने भी दो, क्या बोला, जाने भी दो, जाने भी दो, लेट इट बी, मतलब मुझे छोड़ दो या जाने भी दो, ठीक है। मान लो कोई तुमको रोक रखा है, अरे यार एक घंटा रुक जाओ, क्या करोगे घर जाके, अब फिर आ जाए, बोले नहीं यार जाने भी दो, नहीं तो मम्मी क्या करेंगी, बेलन से सुताई करेंगी, बढ़िया से यार, तो हम क्या बोलेंगे, लेट इट बी। अब कोई तुमको गाली पे गाली दिए जा रहा है और तुम बर्दाश्त किए जा रहे हो, जैसे गांधी जी ने क्या बोला था, कोई एक गाल पे मारे तो क्या करो, दूसरा गाल, लेकिन वो चटाक चटाक मारा ही जा रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठवा रुक ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे उससे, क्या बोलोगे, बहुत हो गया तुम्हारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, ठीक है, बहुत हो गया। अब मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक, अब तुमसे तुमने प्रॉमिस किया था भाई तुमको बर्थडे पे ले चलेंगे कहीं बढ़िया जगह पार्टी देंगे, ठीक, वो तुमको कल्टी मार के किसी और फ्रेंड को लेते गया पार्टी में, अब तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे उसको देख के, अब तुम पहुंचे उसके सामने तो देख रहे हो पार्टी चल रही है, हमको बुलाया ही नहीं गया, तो क्या तुमको फील होगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, ठीक है, या मैंने सोचा भी नहीं था, तो आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, ये पूरा होता है, लेकिन इसको डिड नॉट भी बोल सकते हो और डिडंट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि बस ट्रॉफी लगा हुआ है उसके बाद टी है, तो ये डिडंट, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, ठीक है, क्लियर है।